क्या आप जानते हैं कि सीजन खत्म हो जाने के बाद फॉर्मूला 1 गाड़ी का क्या होता है? आइए पता लगाते हैं। सबसे पहले तो सारी कस्टमर टीमें अपने पावर यूनिट और अपने गियर बॉक्स अपनी वर्क्स टीम को लौटा देते हैं। फिर ये सारी पावरलेस गाड़ियां किसी ना किसी म्यूजियम की शोभा बढ़ाती हैं। जैसे हर टीम का अपना अपना एक म्यूजियम है। फरारी का मैरिनेलो में है, मर्सिडीज का स्टुटगार्ट में है। इसके अलावा स्पॉन्सर्स भी अपने डीलिंग के हिसाब से फॉर्मूला 1 की गाड़ियां रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मलेशिया में ट्विन टावर के अंदर पेट्रोनस के हेडक्वार्टर्स के अंदर मर्सिडीज की 2 गाड़ियां फॉयर पर टंगी हुई हैं। इसके साथ में टीमें अपने पुराने व्हीकल्स के साथ में डेमो रन भी करते हैं, जैसे कि हाल ही में मुंबई में रेडबुल भी करने वाला एक लाइव डेमो रन विद वेटल्स 2011 RB7 किंग की केली ड्रिवन बाय डेविड कुठाल। फिर टीमें इन गाड़ियों को अपने ड्राइवर्स को भी गिफ्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बेनेटन ने माइकल शूमाकर 1994 और 95 की दोनों गाड़ियां गिफ्ट कर दी थी। एंड एट दी एंड टीमें इन गाड़ी को पब्लिकली ऑक्शन कर देती हैं, जहां सेबास्टियन वेटल ने नाइजल मेंसन की 1992 की वर्ल्ड चैंपियनशिप विनिंग कार FW14 खरीदी थी। वहीं वान मैन फेंजो की 1954 की वर्ल्ड चैंपियनशिप विनिंग कार मर्सिडीज W196R $25 million $2013 में बिकने वाली पब्लिकली ऑक्शन सबसे महंगी कार बनी।